नमस्कार, मैं समरजीत यादव NIOS की स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा में बहुविषयी समेकन विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक नाथ त्रिपाठी। आप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस विषय से हमारे शिक्षकों को परिचित कराएं। नमस्कार सभी शिक्षक साथियों, आज हम बहुविषयी समेकन के बारे में चर्चा करेंगे। सर, समेकन शिक्षा में समेकन को हम इस रूप से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की विभिन्न क्रियाओं का इस प्रकार समन्वय कि वो शैक्षिक प्रक्रिया को समरूपता प्रदान करें, इस तरह से समरूपता प्रदान करें कि विद्यार्थियों द्वारा जो अधिगम हो वो प्रभावपूर्ण अधिगम हो, अर्थात प्रभावपूर्ण अधिगम कराने की प्रक्रिया को हम समेकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाना होता है। जब हम किसी विषय वस्तु का शिक्षण कर रहे होते हैं, एक अध्यापक होने के नाते जब हम किसी शिक्षण बिंदु को शिक्षण के रूप में लेते हैं और उसमें दो या दो से अधिक विषयों के ज्ञान एवं कौशलों का समेकन कर शिक्षण प्रक्रिया को संपादित कर रहे होते हैं या संपादित की जाती हो, तो उसे हम बहुविषयी समेकन कहते हैं। इसको हम कई रूपों में समझ सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे देखिए, दूसरे शब्दों में बहुविषयी समेकन क्या है। जब हम वास्तविक समस्या के समाधान हेतु एक से अधिक विषय को साथ लेकर चलते हैं, परंतु प्रत्येक विषय की अपनी एक विधि होती है और हम उस वास्तविक जगत की समस्या को समेकन के द्वारा समाधान कर रहे होते हैं, तो उसे भी हम बहुविषयी समेकन के रूप में कह सकते हैं। अर्थात किसी शिक्षण बिंदु को सरलतम रूप में अधिगम कराने के प्रयास में हम एक से अधिक विषयों को समेकित रूप में, एकीकृत रूप में जब कर रहे होते हैं, तो उसे हम बहुविषयी समेकन के रूप में कह सकते हैं। शिक्षक साथियों, जब हम क्लास कक्षा शिक्षण के दौरान जाते हैं या हम यह भी देखते हैं, हम यह भी जानते हैं कि विभिन्न विषयों में उनकी दक्षता अधिगम प्रतिफल पर कुछ संबंध होता है। यानी जो विषय होते हैं उनमें जो कंटेंट कॉन्सेप्ट या जो संप्रत्यय दक्षताएं होती हैं और उस विषय के उपरांत जो अधिगम अनुभव विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, उनके बीच कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। और हम ऐसा प्रयास भी करते हैं कि एक विषय के साथ दूसरे विषय का समेकन करें, एकीकरण करें, उस पाठ को जोड़ने का भी हम प्रयास करते हैं ताकि अधिगम प्रभावी हो सके। इस प्रक्रिया को भी हम बहुविषयी समेकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी तरफ से हम और भी अगर इसको बहुविषयी समेकन को अध्ययन करना चाहें तो इसको हम इस रूप में भी परिभाषित करते हैं, दो या दो से अधिक विषयों का अध्ययन के संदर्भ में अंतर्दृष्टि विकसित करना, इनसाइट डेवलपमेंट करना। यानी जो दो सब्जेक्ट हैं उनके बारे में एक सूझ, एक इनसाइट विद्यार्थियों के बीच में, शिक्षकों के बीच में विकसित करना ताकि वो इस उपागम का प्रयोग एक पाठ्यक्रम के विकास में कर सकें, जिसे तैयार या उस पर विचार जानने हेतु अनुदेशकों को भी आमंत्रित हम कर सकते हैं जो भिन्न भिन्न विषय क्षेत्र के होते हैं। जैसे बहुविषयी समेकन में कई बार हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक विषय विशेषज्ञों को भी बुला लेते हैं ताकि उनके अनुभव को लेकर के हम समेकन कर सकें। फिर हम क्या करते हैं कि विशेषज्ञों को कुछ शिक्षण बिंदु, कुछ प्रकरण देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस पर क्रमबद्ध विधि से विचार प्रकट करें। निर्देश दिए जाते हैं उनको जहाँ वह विषय या प्रकरण से संबंधित अंतर्दृष्टि का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ उनको निर्देश दिया जाता है कि आप इसकी पहचान करिए कि एक विषय का दूसरे विषय से क्या संबंध है। विषय क्षेत्र के मध्य बहुत समीपता का संबंध होता है,
किंतु उनके मध्य एकीकरण का संबंध नहीं होता है। अतः विभिन्न विषय क्षेत्र की अंतर्दृष्टि को किस तरह एक साथ लाना, परंतु कड़े प्रयास के बाद भी उनका हम एकीकरण नहीं कर पाते। ये बहुविषयी समेकन की एक सीमा के रूप में भी हम कह सकते हैं, वो बहुविषयी समेकन कहलाता है। अगर हम बहुविषयी समेकन को संक्षेप में परिभाषित करने की कोशिश करें, या कहें कि बहुविषयी समेकन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बहुशास्त्री अर्थात बहुविषयी समेकन दो या दो से अधिक विषय क्षेत्र अपना योगदान कर स्वतंत्र भूमिका निभाते हों। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में लें, तो हमने देखा है कि हमारे घरों के डाइनिंग टेबल पे टोकरी में बहुत सारे फल रखे होते हैं। वो विभिन्न रंग, स्वाद, अनुरूप आकार के होते हैं, जिनका अपना अलग अलग अस्तित्व होता है और वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जैसे डाइनिंग टेबल पे फल रखा हुआ है, एक टोकरी रखी हुई है, उसमें कुछ सेब भी रखे हुए हैं, कुछ संतरा भी है, केले भी हैं, ये सब फल रखे हुए हैं। लेकिन ये सारे फल एकीकृत नहीं हो सकते, बहुत समीप हैं, एक ही टोकरी में रखे हैं। हम चित्र में देख सकते हैं कि तीन टोकरियां रखी हुई हैं और एक ही टोकरी में भी सारे फल रखे हुए हैं, अलग अलग भी टोकरी में रखे हुए हैं और एक जगह भी सारे फल रखे हुए हैं। जो एक जगह फल रखे हुए हैं वो बहुत ही जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं, और जो दूसरी जगह रखे हुए हैं वो सब अलग अलग टोकरियों में रखे हुए हैं। लेकिन इसके बाद भी हम उनका एकीकरण नहीं कर सकते। हाँ, अलग अलग जरूर उनको कर सकते हैं। तो इस तरह से वो जो फल हैं सबकी अपनी एक विशिष्टता है। जैसे सेब है तो वो अपने स्वाद के लिए, केला अपने स्वाद के लिए, अनार अपने स्वाद के लिए, प्रत्येक प्रकार के जो फल रखे हैं सबकी अपनी एक स्वतंत्र विशेषता है, उनका एक गुण है, जिसको हम चाहें तो एक अच्छे तरीके से समेकन करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे विभिन्न विषय में अगर हम देखें, हम छोटी कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षा में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययन का जो विषय होता है, जैसे इतिहास है, विज्ञान है, वाणिज्य है, कला है। अब इतिहास एक अलग विषय, विज्ञान एक अलग विषय, वाणिज्य एक अलग विषय, कला एक अलग विषय, लेकिन जो उनकी पाठ पुस्तक होती है वो एक ही होती है। और हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे संप्रत्यय को, कुछ ऐसे दक्षताओं की पहचान करते हैं, ताकि उसका हम इतिहास के साथ, उसका हम वाणिज्य के साथ, उसका हम विज्ञान के साथ समन्वय समेकन कर सकें। और इस तरह की भी जब प्रक्रिया हम कर रहे होते हैं तो वो समेकन होता है सबका। जैसे एक केंद्र बिंदु हम लें, मान लीजिए कि कक्षा में कोई शिक्षण कार्य करना है और शिक्षण के लिए हम किसी इस तरह के शिक्षण बिंदु का चयन करें, और बिंदु का चयन करने के बाद हम इस तरह से उस बिंदु का विश्लेषण करें, इस तरह से उसकी पहचान करें कि उस जो शिक्षण बिंदु है उसका अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है। सब विषय के अलग अलग पक्ष हैं, सबके अलग अलग गोल हैं, लेकिन थीम एक ही है। शिक्षण जो केंद्र बिंदु है शिक्षण करने का, वो एक ही है। उसको हम उसमें इतिहास भी, हम उसमें विज्ञान भी, हम उसमें सामाजिक विज्ञान भी, जब इस तरह से समस्त विषयों का समेकन करके किसी एक थीम पर शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं तो भी हम उसको बहुविषयी समेकन कहते हैं। इस प्रकार का जब हम बहुविषयी समेकन कर रहे होते हैं, इस अध्ययन क्षेत्र भी हम इसको बोलते हैं, निर्माण कई विभिन्न अध्ययन क्षेत्र व्यवसाय के व्यक्तियों से भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ जवाबदेही की तरह कार्य करते हैं तथा संस्था एक सामान्य लक्ष्य एवं चुनौती को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कई विषयों को अज्ञाता होता है, उसे कई अनुशासन के ज्ञान होते हैं, कई डिसिप्लिन उसको आती है। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति जो एक या दो से अधिक विषयों का ज्ञाता हो या उसके संबंध में शैक्षिक उपलब्धि लिए होता है, तो उस व्यक्ति को हम कई अनुशासन के ज्ञाता के रूप में भी परिभाषित
कर सकते हैं, या उसे हम बहु विषय विशेषज्ञ के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। बहु विषय समेकन में प्रतिभागी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन विषय अध्ययन क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किए बिना। उसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि हर विषय अपनी एक स्वतंत्र उसकी एक सीमा होती है, वो अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो इसलिए वो योगदान तो करते हैं शिक्षण में, लेकिन अपनी सीमाओं के अंदर। इसका जो बहुविषयी समेकन है, इसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है परिणामों की तुलना करना भी होता है। हम बहुविषयी समेकन के लिए कई उदाहरण भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से भी बहुविषयी समेकन को हम समझ सकते हैं। एक विचार हम लेते हैं, जब हम कोई एक विचार पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि वह विचार एक साथ एक समय में कई विषयों के साथ आ सकता है। बहु अनुशासनात्मक व्यक्ति को भविष्य में नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है वो। अतः बहु अनुशासनात्मक जो उपागम है या बहुविषयी जो समेकन है, वो कई अध्ययन क्षेत्रों को सही मात्रा में सम्मिलित कर समस्याओं को नए तरीके से परिभाषित करता है, नए तरीके से उन समस्याओं को समाधान करता है, उसके नवीन उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है जो जटिल परिस्थितियों की समझ पर आधारित होता है। एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल परिस्थिति अधिगमकर्ताओं के समक्ष शिक्षक प्रस्तुत करता है और इस तरह से अपने विद्यार्थियों में इंसाइट उत्पन्न करता है, ताकि वो बहुविषयी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सीख सकें, उसको जान सकें, उस जो दक्षता का ज्ञान जो अध्यापक के द्वारा कराया जा रहा है उसको जान सकें। बहुत अच्छा आपने बताया विवेक जी। अब मेरा प्रश्न है आपसे कि बहुविषयी समेकन की विशेषताएं और आवश्यकताएं क्या होती हैं? देखिए, अभी तक जो भी अधिगम करता है, अभी तक हमने बहुविषयी जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन है उसके बारे में हमने चर्चा की कि ये होता क्या है, बहुविषयी समेकन है क्या, और हमने ये देखा कि दो या दो से अधिक विषयों का समेकन, उनके ज्ञान, उनके कौशलों का समेकन इस उद्देश्य से करना था कि जिस संप्रत्यय का हम अध्ययन कराने जा रहे हों या जिस शिक्षण बिंदु को हम अधिगम कराने जा रहे हों वो प्रभावपूर्ण तरीके से विद्यार्थियों तक पहुँचे, वो होता है। अब उनकी जो कुछ परिभाषाएं, जो कुछ हमने सीखा बहुविषयी समेकन में, उसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो जैसे एक है, यह एक पाठ या प्रोजेक्ट में अलग अलग विषय में संयोजन की अनुमति देता है। यानी बहुविषयी जो समेकन होता है, किसी एक शिक्षण बिंदु पर हम विभिन्न विषयों को समेकित कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता होती है वो ये होती है कि वो शिक्षकों यानी जो कक्षा शिक्षण कर रहे होते हैं उनको समूह में पढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, उनको समूह में विद्यार्थियों के साथ बैठाने को कहता है, उनको इस तरह की स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वो परिचर्चा के द्वारा या विभिन्न विषयों को समेकन करके अधिगम करा सकते हैं। तीसरी जो इसकी विशेषता है उसे हम कह सकते हैं कि इसे अंतर विषयी समेकन भी हम कहते हैं, और यह छात्रों को मौजूदा और नवीन ज्ञान को व्यवहारिक तरीके से अधिगम कराने को प्रोत्साहित करता है। जैसे जब हम किसी नवीन संप्रत्यय को विद्यार्थियों को ज्ञान दे रहे होते हैं तो हम विद्यार्थियों को यह निर्देश देते हैं कि आप इस नवीन ज्ञान को किसी अन्य विषय के साथ समेकित करने का प्रयास करिए। यानी बहुविषयी समेकन हमें इस तरह की स्वतंत्रता भी देता है ताकि विद्यार्थी अपने उस विषय वस्तु को अपने व्यवहारिक जीवन से अपने किसी दूसरे विषय के साथ समेकित कर से समग्र रूप में अधिगम कर सके। बहुविषयी समेकन में विषय क्षेत्र एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि बहुविषयी समेकन में जो विषय होते हैं वो अपने एक स्वतंत्र सब अपने आप एक स्वतंत्र अनुशासन होते हैं, उनकी एक सीमाएं होती हैं, अर्थात सब विषय अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं विज्ञान है, गणित है, हाँ
कुछ प्रकृति के आधार पर, कुछ उनके नेचर के आधार पर हम एकीकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। जैसे फलों को मैंने उदाहरण के रूप में दिया कि विभिन्न फल हैं, वह स्वतंत्र हैं, हम चाहें तो उनको मिश्रित करने का प्रयास भी कर सकते हैं, एकीकरण करने का प्रयास भी कर सकते हैं। बहुविषयी समेकन में शिक्षक जो है आगे की योजना बनाता है, विषय संबंधी समय एवं शिक्षण विधि में समन्वय स्थापित करता है, यानी वो जो शिक्षण बिंदु है उसको कैसे पढ़ाएगा इस पे विचार करता है, उस विषय से संबंधित कितना समय लगेगा इस पे भी विचार करता है, और जो विभिन्न विषय हैं उसमें एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध क्या है, एक विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अप्रोप्रिएट है और दूसरे विषय को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि अप्रोप्रिएट है, उचित है, उसका भी समन्वय स्थापित करने के लिए कोशिश करता है, या जब वो संप्रत्य है उसको किस विधि के माध्यम से अच्छी तरीके से बच्चों तक पहुंचाया जा सकता है। हाँ, यह आवश्यक है कि विभिन्न विषयों में सहसंबंध स्थापित या समेकन या एकीकरण करने से पहले उसको इंटर, जिसे हम अंतर विषयी समेकन कहते हैं या अंतर विषयी एकीकरण कहते हैं, वो बनाना होगा सबसे पहले, तब जाकर के बहुविषयी समेकन बनेगा। पहले शिक्षक को यह देखना पड़ेगा कि एक विषय का दूसरे विषय से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है या सहसंबंध क्या है। पहले तो वो जो भी एक विषय है उसके अंदर जो संप्रत्यय हैं, दो दक्षताएं हैं, उन दक्षताओं का एक दूसरे से क्या संबंध है, फिर उन दक्षताओं का दूसरे विषय से क्या संबंध है, फिर उस विषय का दूसरे विषय से, इस तरह से सबसे पहले बहुविषयी समेकन में हमें दक्षताओं के बीच में संबंध, फिर विषय के बीच में संबंध, फिर विभिन्न विषयों के बीच में संबंध एकीकरण करना पड़ेगा, समेकन करना पड़ेगा, तब जा करके हम बहुविषयी समेकन हो पाएगा। यह कुछ उसकी विशेषताएं होती हैं। अगली विशेषता के रूप में जैसे हम बोल सकते हैं कि बहुविषयी समेकन जीवन की जटिल परिस्थितियों को विभिन्न अथवा अलग अलग विषयों के ज्ञान के द्वारा अधिगम कराता है। जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे प्रकरण ऐसे आते हैं, बहुत सारे विषय में ऐसे संप्रत्यय, ऐसी दक्षता आती हैं जिनको हमें अध्ययन करना होता है, लेकिन वो कठिन होता है, तो बहुविषयी समेकन वहाँ पर हमारी मदद करता है। इसकी कई रूपों में आवश्यकता महसूस की जा सकती है, जैसे या हम करते भी हैं कक्षा शिक्षण के दौरान लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते, जैसे विभिन्न विषयों को समेकित रूप से ज्ञान प्रदान, हम चाहते हों कि किसी एक संप्रत्यय पे बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया जाए। आप देखे भी होंगे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षकों की कमी के कारण एक ही शिक्षक समस्त विषय पढ़ा रहा होता है, तो वो कोशिश करता है कि कुछ इस तरह का संप्रत्यय हम लें ताकि उसको विभिन्न विषयों के साथ जोड़ सकें। जब इस तरह से वो करता है तो वो बहुविषयी समेकन का प्रयोग कर रहा होता है, और उसकी आवश्यकता भी है, और क्योंकि इससे अधिगम जो है अस्थाई होता है और एक साथ एक समय में कई विषयों का हम ज्ञान दे रहे होते हैं। दूसरी जो इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी अथवा सरल बनाने हेतु, जब हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विभिन्न विषयों को एक साथ लेकर के उनका परिप्रेक्ष्य बच्चों के सामने अधिगमकर्ताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो वो ज्ञान जो है सरल और आसान होता है, उसमें बच्चे आसानी से समझ पाते हैं। इसमें एक साथ एक विषय वस्तु का छात्रों के समक्ष अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करते हुए अधिगम को अस्थायी करने का हम प्रयास करते हैं। जब हम बहुविषयी समेकन की विशेषताओं और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं तो सामान्य रूप से ये आता है कि इसकी आवश्यकताएं, इसकी विशेषताएं, इससे लाभ क्या है। बहुविषयी समेकन जो है उससे विद्यार्थियों को या शिक्षकों को क्या लाभ होने वाला है या क्या लाभ है, तो इसके दो तीन प्रमुख रूप से, जैसे तो हमने आवश्यकताएं में बताई कि जो है अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए एक साथ एक समय में एक से अधिक विषयों का ज्ञान देने के लिए, तो हम इसको लाभ के रूप में ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी जैसे किसी कोई शोध समस्या है, इसके लाभ में एक प्रमुख अगर हम बात करें तो कोई शोध समस्या है या कोई अधिगम बिंदु है, कोई शिक्षण बिंदु है, तो वो जो है शिक्षण बिंदु
जब हम अंत विषय समेकन कर रहे होते हैं यानी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच का प्रयोग कर रहे होते हैं और उसके बाद बहुविषयी समेकन की स्थिति पे आते हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे आते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जो बहुविषयी समेकन है वो अंतः समेकन की तुलना में ज़्यादा लाभकारी है, उसके ज़्यादा एडवांटेज हैं और वो अधिगम को ज़्यादा अस्थायी करने में सफल है। दूसरा इसका लाभ ये होता है कि समस्या अथवा अधिगम को एक से अधिक पक्षों पर ध्यान देना। जैसे कोई एक समस्या है, मान लीजिए हम कोई एक विषय लेते हैं, जैसे लेते हैं कि जल। अब जल है, उसको कई रूपों में हम उसको समझ सकते हैं। बहुविषयी समेकन क्या करता है, उस कॉन्सेप्ट, उस दक्षता के प्रति आपके पास आपकी इंसाइट डेवलप करता है। वो ये इस तरह की सूच पैदा करता है कि आप उसके विभिन्न पक्षों पर ध्यान दें, ये उसकी एक बहुत बहुत बड़ा लाभ है। अब जैसे मान लीजिए जल है, तो विद्यार्थी के समय अध्यापक क्या करे, विद्यार्थियों के समक्ष वो इस तरह की परिस्थिति क्रिएट करे, इस तरह का परिस्थिति सिचुएशन उत्पन्न करे कि जल को वो विभिन्न जल का जो संप्रत्यय है उसको विभिन्न विषयों के साथ जोड़ सके। जैसे जल के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, वो गोल का विषय हो गया। जल में कौन कौन से गुण हैं, भौतिक विज्ञान का स्रोत हो गया। जल प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण का विषय हो गया। इस तरह से वो एक साथ एक संप्रत्यय पे कई पक्षों को ध्यान दे रहा है, कई विषयों को भी ध्यान दे रहा है। एक साथ जल का संप्रत्यय लिया, उससे उसने पर्यावरण की बात कर ली, उससे उसने भूगोल की बात कर ली, इसके प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, भाई जल प्रदूषित होने के कारण क्या हैं। तो इस तरह से शिक्षक एक केंद्र बिंदु मान करके कई विषयों को समेकन कर रहा है। पूछता है वो बच्चों से कि भाई जल के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, बच्चे बताएंगे। पूछता है जल के रासायनिक गुण क्या क्या हैं, तो बच्चे बताएंगे। इस तरह से वो विज्ञान भी का अध्ययन करा दिया, पर्यावरण का भी अध्ययन करा दिया कि हमें जल को प्रदूषित होने से बचाना है या इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये कुछ प्रमुख लाभ हैं। लाभ के साथ साथ उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे बहुविषयी समेकन की एक सीमा हमने पढ़ा कि सबकी एक सीमा है और सीमा के बाहर ये नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले उसकी एक सीमा जो है, विषय की सीमाओं के बाहर जाने में वो असमर्थ होता है। जो अधिगम में हम समेकन का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्षेत्र नहीं प्रस्तुत कर पाता, वो समेकन का जो है वो आज की दिनांक में बहुत कम प्रयोग हो रहा है। दो या दो से अधिक विषयों की विभिन्नताओं का भी होना, अब एक स्वतंत्र अनुशासन दूसरा स्वतंत्र, उसके बीच में एकीकरण करना ये कठिन है, एक समन्वय समेकन की समस्याओं के रूप में, समेकन की सीमाओं के रूप में हम इसको ले सकते हैं। समन्वय का अभाव होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, ये कुछ बहुविषयी समेकन की सीमाएं होती हैं। अच्छा, आपने बहुविषयी समेकन की विशेषताएं बताई, आपने उसकी आवश्यकताओं पर भी प्रकाश डाला और बहुविषयी समेकन के क्या लाभ होते हैं जी, और इसके साथ साथ आपने उसकी सीमाओं पर भी चर्चा की जी। अगर हम बहुविषयी समेकन पर आधारित शिक्षण कर रहे हैं तो हमें किन किन चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, जब हम बहुविषयी शिक्षण से संबंधित पाठ्य योजना या शिक्षण करने का प्रयास करते हैं तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, दो चार पाँच। अब जितना हम गहनता के साथ अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो उस तरह से छः प्रमुख बिंदु निकल करके आते हैं। इसके बहुविषयी समेकन के प्रमुख जो चरण हैं वो मुख्य रूप से छः हैं। जैसे एक, शिक्षण पूर्व योजना। दूसरा, शिक्षण प्रविधि का परिचय। तीसरा, पाठ का प्रस्तुतीकरण। चौथा, अंतर विषयी सोच का अभ्यास। और पांचवा, पृष्ठ पोषण, जिसे हम फीडबैक भी बोलते हैं। और छठवां, स्वयं मूल्यांकन। जैसे पहला है शिक्षण पूर्व योजना। शिक्षण पूर्व योजना में शिक्षक को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह विषय सामग्री से पूरी तरह परिचित है, यानी कक्षा शिक्षण में जाने से पहले बहुविषयी समेकन में जो शिक्षण बिंदु रखा है अध्यापक ने, उसको यह सुनिश्चित करना होता है कि वो उस शिक्षण बिंदु के विभिन्न विषय सामग्रियों से पूरी तरह से परिचित है।
क्योंकि जब तक वो विषय सामग्रियों से परिचित नहीं होगा तब तक वो समेकन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसके एक चरण के रूप में पहले जो चरण है उसमें हम शिक्षण पूर्व योजना रखते हैं। उसमें यह होता है कि शिक्षक या अध्यापक यह सुनिश्चित कर ले कि वह विषय सामग्री से पूरी तरह परिचित है। दूसरा जो चरण है शिक्षण प्रविधि का परिचय। इस चरण में अध्यापक का यह कार्य होता है कि वो छात्रों को शिक्षण विधि से परिचय कराए या उस विषय के शिक्षण करने हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या होती है उसका भी चयन करे। उसे इस विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए अन्य बहुत से तरीके भी हो सकते हैं, अन्य बहुत सी विधियां भी हो सकती हैं, यह भी विद्यार्थियों को बतानी चाहिए ताकि विद्यार्थियों में इस तरह की सूझ विकसित हो सके कि उस विशिष्ट प्रकरण को हम अन्य विधियों से भी अध्ययन कर सकते हैं। तो दूसरे चरण में वो शिक्षण विधि की जो प्रविधियाँ होती हैं उससे वो अधिगमकर्ताओं को परिचित कराता है। तीसरा जो चरण है इसका पाठ का प्रस्तुतीकरण। इसमें शिक्षक इस बात पे विचार करता है कि जो भी विषय वस्तु उसने चयन किया है उसका विभिन्न विषयों के साथ समेकन किया है उसको वो किस तरह से प्रभावपूर्ण तरीके से विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाए, ये तीसरे चरण में करता है। और जो चौथा चरण होता है उसमें अंतर विषयी सोच का अभ्यास। बहुत बार यह समस्या आती है कि बच्चे को एक विषय का तो ज्ञान होता है लेकिन दूसरे विषय का ज्ञान नहीं होता है, या फिर जो अधिगमकर्ता होता है वो कभी ऐसा सोचता ही नहीं है कि इस विषय का भी दूसरे विषय के साथ संबंध हो सकता है या उसको हम साथ रख करके भी पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अध्यापक को चाहिए कि वो एक समग्रता का बोध कराए, अधिगमकर्ताओं को यह बताए कि जो विषय है वो एक विषय किसी दूसरे विषय से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तीसरा पृष्ठ पोषण है जिसमें फीडबैक दिया जाता है। चौथा स्वयं मूल्यांकन ताकि शिक्षक और विद्यार्थी खुद मूल्यांकन करें। बहुविषयी समेकन कैसे करें इस पे कुछ बिंदु हैं, हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं कि इन बिंदुओं के अनुसार ही समेकन कर सके। जैसे पहला है हमें बहुविषयी समेकन पर पाठ योजना बनाने से पूर्व कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे विभिन्न विषय के अधिगम अनुभव को पाठ के साथ जोड़ना, एक विषय का अनुभव क्या है उसका दूसरे के साथ जोड़ना, दूसरा ज्ञान तथा कौशलों का विभिन्न पाठ एवं थीम के साथ संबंध का विश्लेषण करना, तीसरा प्रत्येक विषय में अधिगम की प्रभावी विधि सुनिश्चित करना, चौथा विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के बीच समझ हेतु मार्गदर्शन करना। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि हम एकीकरण कर रहे हों और बच्चों को के सामने एक ऐसी पाठ योजना प्रस्तुत करनी है कि उसको समेकित विषय के रूप में बहुविषयी समेकन के रूप में विद्यार्थी सीख सकें, तो हम उदाहरण के रूप में मान लीजिए कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ का चयन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसान का चयन कर लिया। अब किसान का चयन करने के बाद होता क्या है कि अध्यापक को सबसे पहले अपने जो पाठ का चयन किया है उसमें दक्षताओं का निर्धारण करना होता है कि जो किसान है पाठ किसान नामक पाठ है उसमें कौन कौन सी दक्षताएं हैं और कौन सी दक्षताएं किस विषय से संबंधित हैं। जैसे उस पाठ को पढ़ने के लिए कहना भाषा का विषय हो गया, किसान खेती का कार्य करता है तो खेती का मापन करना गणित का विषय हो गया, गणित की विषय वस्तु हो गई, किसान मौसम पर निर्भर रहता है तो पर्यावरण की बात हो गई। इस तरह से उसको दक्षताओं को पहचान करना होगा और उन दक्षताओं के आधार पर समेकन करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। जैसे सबसे पहले वो बोले कि कहानी का वाचन करिए, शुद्ध उच्चारण करिए, भाषा विषय हो गया। उसको यह कहे कि इसको आप कहानी के आधार पर चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन करिए तो भी भाषा का विषय, क्योंकि उसको वर्णन करना उच्चारण के साथ शुद्ध उच्चारण के साथ वर्णन करना भाषा का है। इसमें सबसे पहले शिक्षक क्या करता है विद्यार्थियों को एक समूह में बैठने का निर्देश देता है, फिर उनको कहानी सुनाता है, विद्यार्थियों का समूह बनाकर उन्हें अंतःक्रिया करने का निर्देश देता है, कहानी में शामिल चित्रों को आधार बनाकर कहानी का सार पूछने के लिए बोलता है। इस तरह से वो भाषा पर आधारित समेकन कर रहा होता है। दूसरा विषय हम पर्यावरण में दक्षता को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस
किसान नामक पाठ में पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सी दक्षताएं हैं, जैसे मौसम, मौसम के अनुसार उगाई जाने वाली फसलें, फसल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, वर्षा के मौसम में होने वाली बीमारियों के नाम। ये तो उसका पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत हो गया। आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि हम बहुविषयी समीकरण में एक संप्रत्यय के साथ दूसरे संप्रत्यय को कैसे जोड़ेंगे, दूसरे विषय को कैसे जोड़ेंगे। जैसे मैंने अभी जल का लिया था उदाहरण कि जल है, तो बच्चों से बोलें कि एक ग्लास है, उसमें जल रखा हुआ है, उसके आयतन को माप करके बताइए, तो गणित हो गया। जब हम उस बोलेंगे उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दें उस जल में और बोलेंगे ये तो प्रदूषित हो गया, तो बोलेंगे कि जल अशुद्ध हो गया। जब हम ये उसको करेंगे कि इसमें कौन कौन से गुण हैं, तो गणित का। इस तरह से हम बहुविषयी समेकन कर सकते हैं। तो साथियों, आज हमने बहुविषयी समेकन क्या है, इसको कैसे करेंगे बहुविषयी समेकन, हम छोटी कक्षाओं में इसके बारे में हमने अध्ययन किया। बहुविषयी समेकन के लाभ क्या हैं, उसकी सीमाएँ क्या हैं, एक पाठ योजना कैसे तैयार करेंगे, उसके प्रमुख चरण क्या हैं, इसको हमने अध्ययन किया। विभिन्न विषयों के साथ समेकन कैसे करेंगे, इसका भी हमने आज अध्ययन किया। अगले चर्चा में हम बहुविषयी समेकन से जुड़े अन्य कुछ संप्रत्ययों पर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी इस लेक्चर के लिए। हम आपका बहुत NIOS की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। अगले लेक्चर में हम पुनः फिर वापस लौटेंगे जी। नमस्कार। नमस्कार।